हाय गाइस, वेलकम टू इन्विक्टा कोडर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था आपको कि एक इवेंट बिजनेस कैसे आप मैनेज कर सकते हैं और वहां से कैसे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं मंथली। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बेसिकली बताने वाला हूँ कि इस टाइप का ऐप आपको अगर बनाना है या वेबसाइट बनाना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई कोडिंग नॉलेज नहीं है, आप किसी डेवलपर को नहीं जानते, तो भी आप कैसे बना सकते हैं बेसिकली। ठीक है, और सबसे सस्ते में कैसे बना सकते हैं, मोस्ट हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा, सस्ता बट रिलायबल होगा, बहुत ही अच्छा इस टाइप का एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं, वही मैं पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि जिसमें आपको थोड़ा बहुत तो खर्चा होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 4-5,000 आपका खर्चा आएगा ही कम से कम। ठीक है, वेबसाइट एंड ऐप आप अगर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, तो ये खर्चा आप मान के चलिए, क्योंकि लास्ट में बताएंगे कि बहुत सस्ता बोला बट पैसा लग रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि अच्छा अगर कोई प्रोडक्ट आप बनाने जाएंगे या कोई भी किसी से भी क्रिएट कराएंगे तो थोड़ा बहुत आपका खर्चा होगा मिनिमम, तो आपको ये पकड़ के चलना है। बिकॉज आप अगर कोई डेवलपर को हायर करते तो वो तो अलग ही लेवल का हो जाएगा, उसमें आपका 30-40,000 तो आराम से चल जाएगा। बट मैं क्या करता हूँ कि देखिए, मेरा इंटेंशन क्या है कि मैक्सिमम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, एप्लीकेशन बना सके अपने से। तो सबके पास नॉलेज भी नहीं होता है कोडिंग नॉलेज, तो मैं बिना कोडिंग स्किल के कैसे आप कर सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट इस बिज़नेस से रिलेटेड, इसको कैसे चलाया जाता है, इस टाइप के बिज़नेस को, वो आपको अगर नहीं पता है या आपका आइडिया नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन कैसे वर्क करते हैं, ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है, तो मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप पिछले वाला वीडियो एक बार काइंडली देख लीजिए। उसमें आपको पूरा बिज़नेस आइडिया समझ में आ जाएगा। उस बिज़नेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एप्लीकेशन की ज़रूरत है वो मैं आज आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो देखिए, बेसिकली इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए 7-8 स्टेप होगा। ठीक है, जिसमें पहले तो हमें सोर्स कोड बाय करना पड़ेगा जिसका कॉस्ट है 2500 रुपये। सेकेंड, इसमें जो खर्चा होगा आपका होस्टिंग एंड डोमेन, ये मैंडेटरी आपको बाई करना ही पड़ेगा, वो चाहे आप किसी भी कंपनी का बाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे अच्छा जो होस्टिंग है, रिलायबल होस्टिंग है, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और ये जो बाइंग का प्रोसेस है मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दिया हूँ, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये बाई करना बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ये बताने का कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी आपको अगर नहीं मालूम है कैसे बाई करते हैं, हो सकता है कि आपको नहीं मालूम है तो आप देख सकते हैं वो वीडियो, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि कैसे होस्टिंग एंड डोमेन को बाय किया जाता है। ठीक है, होस्टिंग एंड डोमेन मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा अच्छा खरीदना, तो क्या होगा कि वो रिलायबल होगा। और ये जो होस्टिंग है इसमें आपका 100 GB सर्वर के साथ आता है, तो बहुत ही पावरफुल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब चलते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड आपको बेसिकली कहाँ से मिलेगा, पहले आपको जाना है क्रोम में, यहाँ पर लिखना है रेनफ्लेयर कोड्स। तो ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए, पहले नंबर पे ये जो है इवेंट बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये ऐप है, इसका कॉस्ट है 2500 रुपये। अब इसको बाय करना है, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें पेमेंट गेटवे भी अवेलेबल है, ऑनलाइन पेमेंट बुकिंग आ जाएगा, मल्टीपल वेन्यू आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल लोकेशन, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा, नोटिफिकेशन का सिस्टम है, एवरीथिंग है, तो वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ये पूरा डेवलप हो जाने के बाद लास्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका यूज़ कैसे यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से आप लाइव प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाय सोर्स कोड, अब मेरे को ये सोर्स कोड बाय करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा बाय सोर्स कोड पर। अब यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके आपको बाय कर लेना है। बट हमारे केस में यहाँ पे क्या है कि मैंने ऑलरेडी बाय करके रखा है इसको, तो मैं अकाउंट सेक्शन में आता हूँ। देखिए यहाँ पे बाय किया हुआ है मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको लिंक प्रोजेक्ट। लिंक प्रोजेक्ट में क्या होगा कि यहाँ पे आपको डोमेन के साथ लिंक करना पड़ेगा, और यहाँ पे साइड में आपका इनवॉइस है, तो एवरीथिंग मैं धीरे धीरे आपको बताते जाता हूँ। ठीक है, इसको अब थोड़ा अभी के लिए स्किप करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा डोमेन है वो तो डालना पड़ेगा इसमें। तो हमारे केस में क्या है, होस्टिंग बाय किया हुआ है आपका, तो होस्टिंग बाय किया हुआ नहीं है तो मैं बता देता हूँ एक बार। तो होस्टिंगर, मैं होस्टिंगर प्रेफर करता हूँ बिकॉज ये ईजी रहता है मैनेज करने में, और सबका मतलब यूज़र फ्रेंडली है एक तरीके से, और थोड़ा महंगा है बट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलो इसमें तो लॉगिन ही नहीं है, थोड़ा वेट करिए एक सेकेंड आप। तो होस्टिंगर, देखिए होस्टिंगर.in, तो इस पर क्लिक होना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेल दे रहा है ना, तो ये नॉर्मल सेल हर टाइम अवेलेबल रहता है, कुछ ना कुछ सेल तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे क्लेम डील पे क्लिक कर लेना, या फिर नीचे थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आके ये वाला जो प्रीमियम वेब होस्टिंग है ये ले लेना।
इसमें देख सकते हैं 100 वेबसाइट है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, ये वगैरह वगैरह जो आप पढ़ लेना, ठीक है, ये हमें कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर लेना। तो हाँ, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 48 मंथ का है, 12 महीने का है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा 12 महीने लेके देखो या फिर 1 महीने का ही लेके देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 500 रुपये में ट्राई हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का आ जाएगा, तो 3300 रुपीज़ आ रहा है ना, तो यहाँ पे प्रोमो कोड है, अप्लाई कर देना ब्लैक फ्राइडे, ठीक है, तो ब्लैक फ्राइडे सेल के टाइम पे ये कोड हुआ था, तो ये अप्लाई कर देना BLSCK ब्लैक फ्राइडे। अब ये वाला कोड जब अप्लाई करेंगे ना तो 200 रुपये कम हो जाएगा, ठीक है, 3147, ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया था 3200 के अंदर हो जाएगा, तो हो गया इसका, और कोड आपका 2500, तो ये आपका लगेगा ही, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, वो पेमेंट करेंगे तो आपका होस्टिंग बाय हो जाएगा और होस्टिंग के साथ डोमेन आपको फ्री में मिल जाएगा। अब चलते हैं, मैंने तो ऑलरेडी होस्टिंग बाय करके रखा है, तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ एक बार इस पर। ये खुलने में जब तक टाइम ले रहा है, मैं आपको एक जोक बताता हूँ, किसी कस्टमर ने मेरा मतलब कमेंट पे कमेंट किया था कि आप होस्टिंग फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री में मिलता है, आप फ्री में कैसे नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये मतलब सोच रहा था कि क्या बताना है उनको, तो अल्टीमेटली बात यह है कि हम फ्री में कैसे देंगे भाई। इसमें तो बेसिकली होस्टिंग क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है जिसको हम रेंट ले रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो आपको फ्री में क्यों देगा, यही तो बिजनेस है, तो अब क्या ही बताया जाए, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा होस्टिंग खुल चुका है, यहाँ पे हम एक डोमेन है, तो इस पर हम लोग करेंगे इन्विक्टा कोडर्स क्लब .tech, ठीक है, तो इसमें करने वाले बेसिकली, तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। आप जब इसको पूरा कंप्लीट सेटअप कर लेंगे ना होस्टिंग को, तो आपको इस टाइप का डैशबोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे मेरा बहुत सारे वेबसाइट है, आपके पास एक ही वेबसाइट यहाँ पे दिखेगा इस टाइप का। अब यहाँ पे क्लिक करना, आपका होस्टिंग ऐसे खुल जाएगा, क्योंकि इस पर अब कुछ है नहीं, पूरा ब्लैंक है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि पब्लिक HTML के अंदर जो भी डेटा रहता है वो हमारे यहाँ पे वेबसाइट में डिस्प्ले होता है, अब यहाँ पे कुछ डेटा है नहीं हमारा और सब कुछ ब्लैंक है। तो अब चलते हैं होस्टिंग, यहाँ से रेनफ्लेयर कोड से जो हमने परचेस करा है यहाँ से डाउनलोड कर लेते कोड को। तो डाउनलोड पर मैंने क्लिक किया, देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक एक काम हम कर लेते हैं, ये लिंक प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए कनेक्ट योर डोमेन, यहाँ पर डोमेन कनेक्ट करने को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हम मेंशन करेंगे कि कौन सा डोमेन पे हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारे को क्या है कि इन्विक्टा कोडर्स क्लब .tech इसके अंदर करना है। तो ये जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। अब दिक्कत ये होगा कि यहाँ पे आपको बैक स्लैशेस नहीं देना है और HTTP HTTPS ये सब नहीं देना है, और सब कुछ स्मॉल लेटर में डालना होगा, यही यहाँ का कंडीशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पैसे डाल देंगे, गेट API की के ऊपर क्लिक करना है, तो देखिए अपडेट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे इस पेज को एक बार कर लेना है रिफ्रेश, देखिए ये हमारा API की बन गया है, ठीक है ना, अब ये API की हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड कहाँ तक हुआ, अभी भी टाइम लगेगा, ठीक है, मैं पॉज करता हूँ वीडियो को, फिर डाउनलोड हो जाने के बाद शुरू करते हैं। तो चलो ये डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं डाउनलोड से ले लेता हूँ एक बार, इसको मैं डेस्कटॉप में कर लेता हूँ पहले, डेस्कटॉप, ये हमारा कोड, तो इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट, कहाँ गया, ये रहा, तो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर देखिए पूरा कोड मिलेगा, एंड्रॉयड का कोड मिल जाएगा, डेटाबेस एंड PHP बैकएंड, ये सब टर्म पे मत जाना, बहुत इजी सा चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो फाइल है ना इसको अपलोड करना पड़ेगा हमें सर्वर पर, तो ये है सर्वर, मैं शुरू से एक बार ये वाला पेज दिखा देता हूँ, ये है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में यहाँ पे फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे फाइल में आके फाइल मैनेजर, दोनों ही सेम चीज़ है, तो फाइल मैनेजर को मैं खोल लेता हूँ एक बार। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, उतना भी टाइम नहीं लगेगा, और यहाँ पे देखिए पब्लिक अंडरस्कोर HTML, इसके अंदर हमें पूरा कोड डंप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपलोड का बटन है, तो अपलोड भी कर सकते हैं या फिर ऐसे यहाँ से खींच के यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं अपलोड का वाला ही दिखा देता हूँ, पता नहीं कब प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर लोग कमेंट करेंगे। तो डेस्कटॉप पे आते हैं, यहाँ पे इवेंट, इवेंट के अंदर ये वाला आयोनिक एंड PHP बैकएंड, ठीक है, इसको आप कर लीजिए अपलोड,
अरे इंटरनेट का इतना स्लो क्यों चल रहा है? चलो कोई नहीं, होने देते हैं। हाँ चलो, तो ये वाला अपलोड देखिए हो चुका है। अब इसको हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा। राइट क्लिक करो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, अब यहाँ पे स्लैश डाल देना, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिए तो इसी डायरेक्टरी पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट हो गया, अब ये जिप फाइल तो हमें चाहिए नहीं, डिलीट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये जो डोमेन है इसको एक बार करके देखिए। अब क्या आ रहा है यहाँ पे? कनेक्शन फेल्ड, क्योंकि कनेक्शन तो हमने करा ही नहीं है। क्या है, हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे आ चुके हैं, थर्ड पार्ट पे सॉरी। अपलोड फाइल तो हमने कर दिया सर्वर पर, ये तो हो गया। सेकेंड थर्ड जो फोर्थ जो हमारा काम है, क्रिएट अ डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें ये डैशबोर्ड हमें मिला है, यहाँ पे डेटाबेस पे आना है, या फिर साइड में यहाँ से भी आप डेटाबेस में जा सकते हैं। तो डेटाबेस पे यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ पे हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम नाम दे देता हूँ, एक इवेंट, इसका भी इवेंट ही नाम दे देता हूँ, और पासवर्ड टेस्ट एट द रेट 123, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुल सक्सेसफुली तो हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इवेंट का जो डेटाबेस है वो बन गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर पीएचपी माइडमिन जो बटन है इस पर क्लिक करना है। अब जो डेटाबेस डेटाबेस क्या होता है बेसिकली वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पूरा डेटा आपका स्टोर होगा, जो भी ऑर्डर आएगा एवरीथिंग। तो ये जो डेटाबेस नाम का एसक्यूएल फाइल हमें मिला था ना सोर्स कोड पर, वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। जिसके लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल, चूज़ फाइल में आपको ये वाला डेटाबेस चूज़ कर लेना है, ओपन। अब यहाँ पे गो पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका हो गया सिंपल। और कोई काम ही नहीं है इस पर, इतना सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए डेटाबेस का नेम है, यूज़र नेम है, तो डेटाबेस का नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से भी कर सकते हैं कॉपी, यहाँ पे भी है देखिए, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कहीं से भी आप कर लीजिए। अब ये हो जाने के बाद देखिए इसके अंदर क्या था, क्रिएट डेटाबेस हो गया, अपलोड डेटाबेस हो गया, अब कनेक्ट करना बाकी है। कनेक्ट करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे इवेंट, यहाँ पे पे, यहाँ पे db.php, database.php। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं इसको, इसको कॉपी करके, मतलब जो डेटाबेस है बेसिकली वो कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और पासवर्ड में क्या रहेगा, पासवर्ड में हमने दिया था टेस्ट एट द रेट 123। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है अपने डेटाबेस का नेम, बड़ा ही सिंपल है। तो अब इसको रन करके मैं देख लेता हूँ। अब देखिए ऐसा आ रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब क्या है कि ये पेज को जब हम रिफ्रेश करेंगे ना, तो ये लॉक आएगा एक। यहाँ पे क्या होगा कि आपका एपीआई की डालना पड़ेगा। अब एपीआई की कहाँ से मिलेगा, तो रेनफ्लेयर में जो हमने एपीआई की यहाँ पे बनाया था, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में है, लिंक प्रोजेक्ट पे है, और यहाँ पे एपीआई की है, इसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया, इस पर क्लिक कर देना है, बस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया लैंडिंग पेज। अब ये जो ऐप है इसको हमें बनाना पड़ेगा। ऐप बनाने के लिए पहले यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लीजिए इंस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो ऐप है ना, ये एक दूसरा टाइप का है कि यहाँ पे जब हम इस डोमेन को कंप्यूटर से खोलेंगे ना, तो कंप्यूटर से खोलने पर इस टाइप का दिखेगा। बट इस चीज़ को आप अगर किसी भी फ़ोन से खोलते हैं, ठीक है, तो फ़ोन से जैसे यहाँ पे देखिए आईफोन 1 साल किया हुआ है, ठीक है, इसको 12 प्रो कर देता हूँ। तो 12 प्रो से जब इस पेज को हम खोलेंगे ना, तो खोलने पर ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं स्किप करता हूँ लॉगिन। तो पहले पेज पे क्या होगा कि हमें लोकेशन मांगेगा, लोकेशन चूज़ करना पड़ेगा, अलाउ करते हैं। ये फ़ोन में बहुत ही अच्छा खुलेगा, ऐप पे भी इस टाइप का ही दिखने को आएगा। ठीक है, ये कुछ डमी डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए ऊपर में कैटेगरीज हैं, यहाँ पे स्लाइडर्स हैं, इसके अंदर आपका वेन्यूज़ हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हो रहा है चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर जाके देखते हैं, यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड पानी पूरी चैलेंज चल रहा है, ठीक है, और चल रहा है अनलिमिटेड ईटिंग चैलेंज। तो पानी पूरी चैलेंज में बुक दिस इवेंट करते हैं, अब यहाँ पे लॉगिन करने को बोल रहे हैं।
तो हम लोग एक बार लॉगिन कर लेते हैं। सॉरी, अब इसमें लॉगिन अभी तो होगा नहीं, बिकॉज़ हम लोगों ने ओटीपी का सिस्टम सेटअप नहीं करा है, तो इसलिए ओटीपी नहीं जाएगा। ये मैंने आपको दिखा दिया, एप्लीकेशन इस टाइप का आ जाएगा। अब इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन अभी कंप्लीटेड नहीं है, ये तो यूज़र ऐप के लिए हो गया। अब यहाँ पे हमने जो डेटाबेस का नेम यहाँ से कॉपी किया था ना, तो ये फिर से एक बार कॉपी करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे एडमिन में जाना है, एडमिन में जाके कोर के अंदर जाना है। यहाँ पे देखिए .env फाइल है। अब इसके अंदर जाके आपको देखिए डेटाबेस का नेम यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, और यहाँ पे भी चेंज कर दीजिए, और पासवर्ड की जगह में हम लिख देते हैं test@123। ठीक है, ये पहले से डाला हुआ था, बिकॉज़ मैं एक बार ऑलरेडी चेक कर चुका था, तो इसलिए ये आ रहा था। ठीक है, तो अब सेव। अब और एक चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका डोमेन नेम पेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ तक कॉपी करना है /event यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं ऐप URL, ये वाला, क्योंकि यही ऐप का URL है ना। तो देखिए ऐप के लिए ये वाला URL काम करता है सी। ठीक है, तो ये हमने URL में डाल दिया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एडमिन पैनल कैसा है। ये तो हो गया, चलो यूज़र ऐप एडमिन पैनल, ये वाला /admin, एंटर। ठीक है, इस टाइप का खुलेगा। अब यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड में आपको लिखना होगा admin@gmail.com एंड पासवर्ड है 1234। अरे क्या हो गया, सॉरी ब्रो, यहाँ पे थोड़ा अलग है, admin@gmail.com एंड पासवर्ड यहाँ पे 1234567। यहाँ पे लॉगिन, देखिए इस टाइप का डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, बेसिकली एवरी डिटेल्स यहाँ पे है। आप लोकेशन मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कैटेगरीज जो ऐप में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे कैटेगरीज यही से आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइडर है, जितने भी स्लाइडर आप देख रहे हैं, स्लाइडर में पोजीशन में 1 डालेंगे ना, जैसे ऐड स्लाइडर में करता हूँ, लोकेशन कौन सा लोकेशन है वो देना पड़ेगा, यहाँ पे इमेज देना पड़ेगा, पोजीशन, पोजीशन में 1 डालेंगे तो ये ऊपर का स्लाइडर आएगा, 0 डालेंगे तो नीचे का स्लाइडर आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे LID मतलब लोकेशन आईडी है, तो देखिए हर एक लोकेशन का एक आईडी है, तो वो लोकेशन आईडी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कौन सा स्लाइडर कौन सा लोकेशन के लिए है वो तो पता होना चाहिए ना ऐप को। अब इवेंट वेन्यू, तो कहाँ कहाँ पे हो रहा है इवेंट्स, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करना पड़ेगा। वेन्यू का डिफरेंट इमेजेस आप दे सकते हैं, जैसे कोई एक वेन्यू पे हम अगर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए एक स्लाइडर चल रहा है यहाँ का, कुछ फ़ोटोज़, तो वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, मल्टीपल फ़ोटोज़, वेन्यू का आईडी देना है और वो ऐड कर देना है। इवेंट, इवेंट जितने भी है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे अनलिमिटेड पार्टी का पानीपुरी चैलेंज, ये कौन सा वेन्यू के लिए है, वेन्यू नंबर 1, तो वेन्यू नंबर 1 में शो होगा ये। ठीक है, तो इस टाइप से है। और लास्ट में है यूज़र, यूज़र में जितने भी आपका यूज़र रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे शो होगा। बुकिंग सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है, ठीक है, कितने बुकिंग्स हुए हैं, कौन सा चीज़ के लिए, तो वो आप यहाँ से सॉर्ट भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, जैसे आपको वेन्यू आईडी 1 का चाहिए, तो यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करिए, वेन्यू आईडी इक्वल्स टू 1, तो 1 का जो वेन्यू आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरी सॉर्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप वो सॉर्टिंग भी कर सकते हैं बहुत ईजीली। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए कि इस चीज़ का पूरा आपको एक्सपोर्ट डेटा चाहिए, तो डेटा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, PDF में आपका पूरा डेटा जो है एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे A4 कर लेना, A4 करके पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर लीजिए, बस। देखिए यहाँ पे फुल डिटेल्ड आपको एक्सेल शीट में या फिर PDF पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, पेजेस है आप जितने भी चाहे, मल्टीपल पेजेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ये साइड साइड में ये देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टर्स टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब चीज़ें, ठीक है, जितने भी चाहे आप पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरल सेटिंग में आते हैं, सिर्फ जनरल सेटिंग में ऐप का नेम बदलना है तो यहाँ से कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लोगो, जो मेन ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है वो चेंज करना है, और यहाँ पे प्ले स्टोर पर आप अगर डालेंगे ना, प्ले स्टोर डालने के बाद तो यहाँ पर लिंक आप बदल देना। ठीक है, तो चलिए अब डेवलपमेंट प्रोसेस में चलते हैं। तो ये तो हो गया यूज़र ऐप एंड एडमिन पैनल कैसे वर्क करते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दिया।
अब जब इसको यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ओके, अब इसमें क्या है कि हमें ओटीपी सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट देखिए। इसके बाद क्या है, फायरबेस सेटअप। फायरबेस हम यूज़ करते हैं गूगल का बिकॉज ओटीपी लेने के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फायरबेस। अब फायरबेस में आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे firebase.com लिखना है, firebase.google.com। तो इसके अंदर आपको गो टू कंसोल करना है, कंसोल खुलेगा। तो यहाँ पे आपका कोई भी प्रोजेक्ट वैसे नहीं होगा, हमारे केस में ये तो अभी मेरे बहुत सारे किया हुआ है काम तो इसलिए है। तो आपके केस में क्रिएट अ प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट ऐसा कुछ रहेगा। ऐड प्रोजेक्ट में कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इवेंट, इवेंट ऐप के लिए कर रहे हैं। तो इवेंट ऐप, ठीक है, आप कोई सा भी प्रोजेक्ट नाम दे सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो अकाउंट चूज़ कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट अकाउंट, क्रिएट प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट तैयार होने में थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। और बाकी तो बहुत ये अच्छा ही ऐप है ये, क्योंकि मैं अभी पूरा फीचर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज़ ओटीपी के थ्रू इसमें लॉगिन होना पड़ेगा, उसके बाद ही ना बुकिंग होगा, है ना। तो यहाँ पे फिनिशिंग अप, हाँ, न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखो ऐसा खुल जाएगा यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेब वाला जो सेक्शन है इस पे क्लिक करना है बिकॉज हम वेब के थ्रू ओटीपी लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐप का नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे, वो भी ऑप्शनल है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इवेंट ही लिख देता हूँ, मैं होस्टिंग तो यहाँ का चाहिए नहीं। तो रजिस्टर ऐप, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू कंसोल, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक हो जाने के बाद आपको जाना है बिल्ड, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। हम इसमें किस चीज़ के थ्रू ऑथेंटिकेट करने वाले हैं, फ़ोन के थ्रू, राइट। तो ऑथेंटिकेशन में गेट स्टार्टेड क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए फ़ोन है तो फ़ोन को यहाँ पे ऑन कर देना है, सेव, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जब तक आप बिलिंग ऐड नहीं करते हैं तब तक 50 मैसेज पर डे आपका जाएगा ओटीपी, ये फ्री में जाएगा। और आप अगर अपग्रेड कर लेते प्लान को, प्लान अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपका बिलिंग ऐड कर लेना, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड कर लेना, तो क्या होगा कि डेली मतलब मंथली आपका 10,000 मैसेज फ्री में जाएगा। तो SMS पैक आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, फ्री में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए सेटिंग्स, ऑथेंटिकेशन के अंदर ही सेटिंग्स करके एक ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे ऑथराइज्ड डोमेन, कौन सा डोमेन के लिए ये ओटीपी हम लोग सेंड करेंगे। तो ये है हमारा डोमेन, बेसिकली जो डोमेन आप बाय करेंगे यहाँ पे, जो बाय करेंगे होस्टिंग डैशबोर्ड, ये रहा, ये डोमेन को आप यहाँ पे देना पड़ेगा। एड डोमेन और पेस्ट कर दीजिए, और बैक स्लैशेस जितने भी स्लैशेस हैं आगे पीछे सब हटा दीजिए, सिर्फ डोमेन का नाम रहेगा, ऐड कर लीजिए। तो क्या होगा कि ये डोमेन अभी रजिस्टर्ड हो गया फायरबेस के साथ, तो इसमें आप ओटीपी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओटीपी जाने के लिए, अब यहाँ पे जो सेटअप हुआ है वो हमारे ऐप को कैसे पता चलेगा, ऐप को ऐसे ही पता चलेगा, यहाँ पे कोड मिल जाएगा हमें। प्रोजेक्ट सेटिंग पे आना है, एकदम नीचे जाना है, यहाँ पे देखिए CDN पे या NPM कहीं पे भी जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट फायरबेस कन्फिग ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं सर्वर पे, ये डेटाबेस, सॉरी ये फाइल मैनेजर है, यहाँ से ये फाइल मैनेजर खुलने पर ऐसा आएगा। यहाँ पे इवेंट, इवेंट के अंदर हमें जाना पड़ेगा OTP.PHP। अब OTP.PHP के अंदर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट फायरबेस कन्फिग से लेके यहाँ का जो पार्ट है इस पे आप पेस्ट कर देना कोड को, बस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि OTP आना चालू हो जाएगा। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल लॉगिन, यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, सेंड OTP, कैप्चा वेरिफिकेशन फेल्ड, अच्छा ठीक है, नहीं हो गया। तो यहाँ पे देखिए OTP का जगह तो आ गया बट अभी तक मेरे फ़ोन में OTP नहीं आया।
अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, मैंने एक दूसरा नंबर डाल दिया इस पे, 9719421, ठीक है, वो एक्चुअली वो वाला नंबर बंद ही था तो मैंने डाल दिया था वैसे ही। सेंड ओटीपी क्लिक किया, अब देखते हैं। अब जाके ओटीपी आया, ठीक है, 021323, ओके। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैं लोकेशन पे जाता हूँ, यहाँ पे आप मल्टीपल लोकेशन ऐड कर सकते हैं, जितने लोकेशन यहाँ पे ऐड करेंगे पूरा यहाँ पे लिस्ट आएगा, तो इसमें से कोई भी एक लोकेशन आपको चूज कर लेना होगा, ठीक है, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं बेसिकली इवेंट अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ये वाले रेस्टोरेंट पे हमारे को क्या है कि पानी पूरी चैलेंज चाहिए, तो बुक दिस इवेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाना है कि कितने टिकट चाहिए हमें, ठीक है, चेकआउट करने जाएंगे तो टिकट नंबर पूछेगा। टिकट फॉर एग्जांपल हमें दो चाहिए, ठीक है। नेम यहाँ पे अननोन आ रहा है, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ और फ़ोन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है वेरीफाइड। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा टिकट जितना टिकट है और उसके साथ मल्टीप्लाई होके पूरा अमाउंट आ गया, 500 रुपये हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री टाइम, तो कब हमें एंट्री करना पड़ेगा वो भी देखिए नीचे आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकता हूँ, सॉरी मतलब वहाँ पे जाके भी पे कर सकता हूँ, और यहाँ पे पे ऑनलाइन यूजिंग ईपीआई, बट यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ है, ये तो डिलीवरी सिस्टम नहीं है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश ऑन स्पॉट ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये चेंज मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे करना है। तो बेसिकली आना होगा आपको checkout.php। अब checkout.php के अंदर आपको एकदम नीचे जाना है, यहाँ पे देखिए क्लिक टू ऑर्डर, हाँ कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन वेन्यू कर देता हूँ, कैश ऑन स्पॉट ऐसा भी रख सकते हैं, तो ऐसा रख सकते हैं। आपको अगर इसको रखना ही नहीं है तो यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये देखिए ए एच आर एफ दिया हुआ है, एच आर एफ हाइपर रेफरेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है मैं लाइन नंबर बता देता हूँ, 165 से 177 का पार्ट आप हटा देना अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं चाहिए तो, मतलब कैश सिस्टम नहीं चाहिए तो, ठीक है। तो कैश ऑन स्पॉट मैंने कर दिया, ये आप माइनर सी जो एरर था कोड में वो मैंने बता दिया, वो चेंज कर लेना आप। अब यहाँ पे आ जाता है पेमेंट का ऑप्शन, अब यहाँ पे ऑनलाइन यूजिंग यूपीआई, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, पे नाउ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे को फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम सब ऑप्शन आ गया, साथ में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग सब आ गया। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, नेट बैंकिंग को यूज़ कर लेता हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। देखो तो मेरा ये देख सकते हैं ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं माई ऑर्डर सेक्शन पे चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे पेड हो गया। अब यहाँ पे देखिए एंट्री पेंडिंग अभी लिखा हुआ है, एंट्री पेंडिंग मतलब अभी तक आपने वेन्यू के अंदर गए नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एक ट्राई करने टाइम पिछले टाइम का है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एडमिन पैनल से। तो एडमिन पैनल खोलने के लिए यहाँ पे चलते हैं, इवेंट के स्लैश देके एडमिन लिखना है, तो एडमिन पैनल भी खुल गया है। अब यहाँ पे बुकिंग में चलते हैं, बुकिंग में जाके ये फालतू का जो पड़ा हुआ है ये डबल एंट्री हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये वाला जो चीज़ है इसको आप अगर स्कैन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये कोड किसको दिखाना है, जिस वेन्यू पे जाएगा ना वहाँ पे जो गेट मैन रहेगा उनको शो करना है, वो इसको स्कैन करके चेक कर लेगा कि ये बंदे ने ऑलरेडी घुसा है कि नहीं, ठीक है, ऑलरेडी एक बार अटेंड किया है कि नहीं, वो चेक करने से पता चल जाएगा। यहाँ पे वो जब इसको देख के कंफर्म कर देगा, डन कर देगा, तो आपके यहाँ पे स्टेटस में एंट्री सक्सेसफुल दिखेगा और कब आपने एंट्री लिया था वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेन्यू का एंट्री टाइम भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं गेट मैन हूँ, तो मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्ड को एक बार ओपन कर लेता हूँ, तो ये स्क्रीनशॉट वाला पार्ट भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो मैं ऐसे गेटमैन, तो कोई अगर मेरे को ये क्यूआर दिखाता है तो मैं ऐसे स्कैन करके
एंट्री अप्रूव कर दूंगा। अप्रूव हो जाने के बाद इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। अब ये यूज़र वाले ऐप में भी आप अगर देखेंगे तो देखिए टिकट एक्सपायर दिखा रहा है, ठीक है, और एंट्री टाइम कब मैंने एंट्री किया वो दिखा रहा है यहाँ पर। ओके तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया ऑर्डर कैसे प्लेस होगा। तो इस टाइप से आपका पूरा ऑर्डर आ जाएगा, जितने भी कस्टमर आपका ये करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। अब कस्टमर के लिए कुछ हेल्पलाइन भी तो देना पड़ेगा, तो हेल्पलाइन आपको यहाँ से मिल जाएगा। व्हाट्सएप एंड हेल्प का कॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट अस में भी आपका डिटेल्स दे सकते हैं। बाकी तो बहुत ही सिंपल सा ऐप है, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल में रहेगा सब कुछ। अब यहाँ पे इसका ऐप बना लेते हैं, ठीक है। ये आयोनिक पे बना हुआ है बेसिकली, तो ये जो वेबसाइट है इसको हम ऐप में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, मतलब बेसिकली इसका ऐप वर्जन बना लेते हैं, ठीक है। देखिए डेस्कटॉप पे मैं खोल रहा हूँ तो इस टाइप का खुल रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फायरबेस का जो काम हमने करा था, फायरबेस में थोड़ा और काम बाकी है, जो कि यहाँ पे क्लाउड मैसेजिंग करके ऑप्शन है, यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं बाद में, अभी इसको रहने देते हैं, पहले हम ऐप को डेवलप कर लेते हैं। ये हमने सोर्स कोड डाउनलोड किया था, यहाँ पे एंड्रॉयड कोड है, इसको राइट क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। हो गया एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमें जाना होगा एंड्रॉयड स्टूडियो पे। अब बात यह है कि एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास शायद इंस्टॉल नहीं है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने का एक तरीका है, ठीक है। आप अगर नॉर्मली गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे ना तो आपका एरर से भर जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। तो पहले तो आपको जावा JDK इंस्टॉल करना है, तो मैंने प्रोसेस मैंने बता दिया, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन पे लेके देख लेना। बिकॉज़ क्या है कि ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे मैं करूँगा, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है तो उतना मतलब किसी का वो नहीं रहता है कि अटेंशन स्पैन नहीं रहता है कि इतना फुल वीडियो इतना लंबा टाइम से देखें, तो मैंने शॉर्ट करने के लिए उसका वीडियो मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जहाँ से डाउनलोड करके आप वहाँ से देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद ऐसा आएगा, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेना और जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे देखिए जो फोल्डर का नाम है इवेंट, तो इवेंट वाले फोल्डर को ढूंढते हैं। ये डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे मैं आ चुका हूँ, अब यहाँ पे इवेंट नाम के फोल्डर को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ये देखिए इवेंट, और इसके अंदर है इवेंट, इसके अंदर है एंड्रॉयड कोड। अब एंड्रॉयड कोड में जहाँ पे ये एंड्रॉयड वाला एक आइकन बना हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐप के ऊपर नहीं, ये वाला पहला नंबर पे जो आएगा इसके ऊपर। अब ओके करते हैं ट्रस्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि ये ट्रस्टेड है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें पहली बार तो सिंक होने में, ठीक है, तो थोड़ा वेट करना है यहाँ पे जब तक कोई प्रोसेस बंद नहीं हो जाता है, और तब तक यहाँ पे कुछ मत करना। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस हो गया है, ठीक है, इसमें एक दो मिनट टाइम लेगा, थोड़ा वेट कर लेना इसमें। अब इस टाइप का फोल्डर्स आपके साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जाना होगा जावा में, जावा में ये जो आप नेम देख रहे हैं ना तीन ऊपर नीचे दिया हुआ है, ये पैकेज आईडी है, तो आपके केस में हो सकता है ना कुछ ऐसा दिखे ऐसा, ठीक है, एक साथ में दिखेगा, तो इसको आपको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि इसका ये पैकेज आईडी है। पैकेज आईडी क्या होता है कि हर एक ऐप का यूनिक एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है, जैसे डोमेन नेम है वो आपका प्रॉपर्टी है, तो ये उस टाइप का ही है, आप कह सकते हैं ऐप के लिए है वो, ठीक है। तो आपको ट्री अपीयरेंस पे जाना है, ये देखिए कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज को ऑफ कर दीजिए, अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि पैकेज आईडी को बदलना, राइट क्लिक करिए यहाँ पर, यहाँ पे रिफ्रैक्टर रीनेम, तो हमारा जो ऐप का नाम रहेगा मतलब जो डोमेन का नाम है ये कह सकते हैं, जो ऐप का नाम आप रखना चाहते हैं, जैसे फन क्लब यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये नेम आपको बदलने के लिए यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल इवेंट ही लिख देता हूँ, आपके केस में जो भी आपका ऐप का नाम होगा वो डालना है यहाँ पर, रिफ्रैक्टर। तो यहाँ पे देखिए रीनेम कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीटेड है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि हुआ है कि नहीं कंप्लीट, यहाँ पे मैनिफेस्ट पे जाना है, इसको ओपन करना है, मैनिफेस्ट एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML, इसके अंदर आके आप चेक कर लेना कि चेंज हुआ है कि नहीं, पैकेज आईडी com.event.user। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके और एक जगह पे पेस्ट करना होगा, जो कि यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट, इसको ओपन करिए, ग्रेडल मॉड्यूल ऐप, build.gradle मॉड्यूल ऐप के अंदर जाना होगा, यहाँ पे आके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है एप्लीकेशन आईडी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भूलना मत,
ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करना है। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आता है तो ये हाथी वाला आइकन देख रहे हैं ना, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो ये देखिए ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोसेस, तो ये प्रोसेस भी होने देते हैं। अब तो पैकेज आईडी तो चेंज हो गया, ये पहला काम था। दूसरा काम हमारा क्या है, यहाँ पे हमें यूआरएल लगाना है। यूआरएल क्या चीज़ होता है, यूआरएल मतलब ऐप का लिंक होता है बेसिकली। तो यहाँ पे इसको कर लेना है इंस्पेक्ट। अब ये वाला जो लिंक है इसको आप ऐसे रन करिए, तो देखिए ये हमने लॉगिन कर रखा था तो ऐसा दिख रहा है। तो आपको बेसिकली ये वाला लेना है, आपका डोमेन स्लैश दे के इवेंट, ऐसा लिंक बनेगा। ये जो लिंक है ना हमें डालना पड़ेगा ये वाले पार्ट पे, मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी पे देखिए यहाँ पे डालना है, यूआरएल लिखा हुआ है लाइन नंबर 58 पर, यूआरएल के जगह पे पेस्ट कर देना है। और ये कोटेशन डिलीट मत हो जाए वैसा देख लेना। और इसके नीचे थोड़ा आना है, लाइन नंबर है 100, ठीक है, यहाँ पे भी एक यूआरएल डालने का ऑप्शन है, डाल देना। हो गया, अब इसको ये यूआरएल चेंज भी हो गया। थर्ड पार्ट है नोटिफिकेशन सेटिंग्स, क्योंकि ये जो ऐप है ऐप के प्ले स्टोर पे रहेगा, कस्टमर जो आपका डाउनलोड करेगा उनको आप नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एक पुश नोटिफिकेशन भेज के। तो वो कैसे पॉसिबल है वो अब करेंगे उसका सेटिंग। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन क्लास करके ऑप्शन है, यहाँ पे ऐप आईडी डालना पड़ेगा। और कहाँ से लाएंगे ऐप आईडी, वन सिग्नल से। तो वन सिग्नल पे जाने जाना पड़ेगा हमें, जिसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि फायरबेस का कुछ काम हमारा बचा हुआ है अभी, तो फायरबेस पे चलते हैं। फायरबेस में ये रहा हमारा ऐप, तो इसके ऊपर हम क्लिक करें और यहाँ पे जाना होगा प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग में क्लाउड मैसेजिंग, क्लाउड मैसेजिंग होता है बेसिकली पुश नोटिफिकेशन सेंड करने का सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए क्लाउड मैसेजिंग एपीआई लेगेसी डिसेबल्ड है, इस पर क्लिक करना है, मैनेज एपीआई। अब यहाँ पे जब आ जाएंगे इसको आपको एनेबल कर लेना पड़ेगा। हाँ, इसको एनेबल कर दीजिए। और जब भी इनेबल हो जाएगा ना तो यहाँ पे आपको एक कोड मिल जाएगा, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये रहा, देखिए यहाँ पे सर्वर की आपको मिल गया, सेंडर आईडी मिल गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी इनेबल हो चुका है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं यहाँ से बेसिकली। अब हमें क्या करना होगा, वन सिग्नल पे जाना है। वन सिग्नल भी एक वेबसाइट है, वन सिग्नल देखिए पुश नोटिफिकेशन सिस्टम के लिए ये वेबसाइट वर्क में आता है, ये भी फ्री है, कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन गूगल के थ्रू हम लॉगिन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐप्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा टेस्टिंग किया था तो इसकी वजह से यहाँ पे है। अब हम आपके केस में आप सोच लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे न्यू ऐप एंड वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसको हटा देता हूँ, ऐप का नाम यहाँ पे आप डाल देना और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा गूगल एंड्रॉयड एफ सी एम। एफ सी एम मतलब फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। कन्फिगर योर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए फायरबेस का सर्वर की डालने को बोल रहा है, अब सर्वर की ये वाला है तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्वर की को कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है सेंडर आईडी, सेंडर आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए फायरबेस सेंडर आईडी, इसको हम कर देते हैं पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब भी ऐसा क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे आप इस ऐप को बना रहे हैं, तो वो है हमारा नेटिव एंड्रॉयड, इस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू। अब देखिए ये जब भी करेंगे आप तो यहाँ पे आपके लिए एक ऐप आईडी बन गया। ऐप आईडी को आपको ये जो कॉपी का बटन है यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी हो गया। अब कॉपी हो जाने के बाद एंड्रॉयड पे जाना है, जो हमने पेज खोला था यहाँ पर एप्लीकेशन क्लास डॉट जावा, इसके अंदर जाके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, बस काम खत्म यहाँ पे। अब ये जो ऐप है ऐप का हमें लोगो भी तो बदलना है, लोगो एंड नेम बदलना है, जिसके लिए आपको रेस पे जाना है, वैल्यूज़ पे जाना है और यहाँ पे स्ट्रिंग्स पे जाना है।
स्ट्रिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऐप का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, इवेंट ए बी सी डी जो भी कुछ भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कलर, कलर आपका लोगो का जो कलर होगा तो उस हिसाब से आप कुछ भी कलर यहाँ पे डाल सकते हैं, बस ये वाला वाइट रखना, बाकी सब जो भी कलर है डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब लोगो कैसे बदलते हैं, लोगो बदलने के लिए हम एक लोगो डाउनलोड करते हैं, वैसे पहले देख लेता हूँ कंप्यूटर पे कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं, तो उसी से काम चला लेंगे। तो हाँ, ये वाला लोगो यूज़ कर लेते हैं, इसको मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। तो ये वाला लोगो हम ऐप में डालेंगे। तो मेन प्रोजेक्ट फाइल पे जाते हैं, ये है एंड्रॉयड कोड। एंड्रॉयड कोड के अंदर हमें जाना पड़ेगा ऐप के अंदर, src मेन रेस ड्रॉएबल। ये देखिए ड्रॉएबल नाम से 1 2 3 4 5, ये जो फाइल है ना, ये पांचों जगह पे ये वाला लोगो आपको रख, जो लोगो है ना ये आपको ये पांचों फाइल में डालना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉएबल के फाइल्स में। तो यहाँ पे, और ये जो लोगो का नाम है इसको आपको रिनेम करके लिख देना है स्प्लैश, स्प्लैश, ठीक है। अब ये जो है इसको हम कॉल कर लेते हैं कॉपी, और सब जगह पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, बस हो गया। अब देखिए ये लोगो हमने फाइल से तो चेंज कर दिया, अब यहाँ पे आके भी हमें एक काम करना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पे रेस पे क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, इमेज एसेट्स। इमेज एसेट्स पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पाथ, यहाँ पे पाथ पे जाना है, पाथ पे ये एंड्रॉयड वाला जो लोगो है इस पे क्लिक करना है। अब इसके अंदर कहाँ पे हमने वो फोटोज़ रखा है, तो ऐप के अंदर src मेन रेस ड्रॉएबल स्प्लैश, बस देखिए यहाँ पे लोगो आ गया। लोगो तो है तो बहुत ही घटिया ये, ठीक है कोई नहीं, ऐसे ही चला लेते हैं, दिखाने के लिए है बस। और बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे वाइट कर देते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिनिश कर देना है। उससे पहले ये जो है यहाँ पे डीबग, मतलब फ़ोन में आप अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस केस में मेन, मतलब मेन फाइनल, ठीक है यहाँ पे मेन कर देना हमेशा, और यहाँ पे फिनिश, ठीक है। लोगो भी चेंज हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को रन करके भी तो देखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें करना क्या है, बिल्ड पे जाना है, जेनरेट यहाँ पे बिल्ड बंडल, ठीक है, और यहाँ पे बिल्ड एपीके। तो अब यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड रनिंग, तो यहाँ पे बिल्ड होगा और एपीके हमें मिल जाएगा, जो कि हम फ़ोन में इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं कि कैसा दिखने में हुआ है हमारा एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे बिल्ड एपीके हो गया। अब यहाँ पे लोकेट करके एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऐप डिबग डॉट एपीके ये बन गया है। ये जो एपीके फाइल है ये आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ़ोन में ले लीजिए, वहाँ पे इंस्टॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। और आप अगर चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट एमुलेटर के थ्रू भी चला के चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं वो सब रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर तो एरर आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट एपीके को इंस्टॉल करके चेक करिए। अब चलिए मैंने इंस्टॉल कर लिया है इसको, एपीके को, मैं आपको चला के दिखाता हूँ कैसा है। मैंने फ़ोन कनेक्ट कर लिया, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए इवेंट, ठीक है, इस टाइप का खुल गया, स्किप लॉगिन। अब यहाँ पे देखिए लोकेशन मांग रहा है, तो मैंने लोकेशन दे दिया, ये खुल गया, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन पूरा जैसा एप्लीकेशन है वैसा ही काम करेगा, यहाँ पे बुकिंग वगैरह एवरीथिंग होगा। यहाँ पे ओटीपी भी मैं फिर से एक बार चेक करा देता हूँ आपको, लॉगिन सेंड ओटीपी, देखिए इतना जल्दी आ गया, हाँ आ गया, देखिए हाँ आ गया, वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे मैं एक ऑर्डर प्लेस करके आपको दिखाता हूँ, नंबर ऑफ टिकट 1, नेक्स्ट किया मैंने, कैश ऑन स्पॉट तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, ये हो गया ऑर्डर प्लेस, व्यू ऑर्डर पे देखिए कैश ऑन काउंटर, तो ये एक आ गया। अब यहाँ पे देखिए डिरेक्शन भी शो होगा, नेक्स्ट, फिर मैं एक पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको पे करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पे हम क्लिक करते हैं पे नाउ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जो है पेमेंट गेटवे का जो पार्ट है ना वो कैसे करते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। क्योंकि पेमेंट गेटवे, ये पेमेंट कहाँ पे जाएगा वो भी तो बताना है, वो तो मैंने कवर ही नहीं किया, वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सिंपली क्या है कि आपको होस्टिंग अकाउंट पे जाना है, ठीक है। यहाँ से होस्टिंग फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर, इवेंट और पे, यहाँ पे db.php के अंदर देखिए रेजर पे का API की डाला हुआ है, की एंड सीक्रेट की, ठीक है। ये दो की मस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये दो की के बिना नहीं होगा, तो ये दो की आपको डालना पड़ेगा। ये तो अभी टेस्टिंग के लिए मैंने डाल दिया, एक कुछ डाला हुआ है टेस्टिंग का की, बट यहाँ पे आपको फाइनल की आपको बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रेजर पे के वेबसाइट पे जाके आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको पूरा वो डिटेल्स मिल जाएगा कि कैसे इसको रजिस्टर करना है, पूरा आपका KYC जो डालेंगे, ठीक है। आपका अगर इंडिविजुअल है इंडिविजुअल भी हो जाएगा, आपका अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के थ्रू भी हो जाएगा। तो अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है। आप रेजर पे का एक बार वेबसाइट खोल लेना, साइन अप पे क्लिक करना, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। आपका बेसिक डिटेल्स भरना है तो वहाँ से आपको वहाँ से नहीं तो चैट करके आप पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करना है रेजर पे। वहाँ से आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, तो वो लोग आपको बता देंगे कैसे रेजर पे गेटवे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब रेजर पे इंटीग्रेशन के ऊपर कई सारे वीडियोज़ है यूट्यूब पर, वो भी मिल जाएगा। पता नहीं अभी लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, इसको रहने देते हैं, हटाओ इसको, ठीक है। और एक चीज़ रेजर पे से रिलेटेड मैं बता देता हूँ, रेजर पे में भी आपको एक चीज़ करना पड़ेगा जो कि अच्छा, और एक चीज़ ना हमसे छूट गया था, जो कि आपको रेजर पे से रिलेटेड करना पड़ेगा, जो कि आपको ये रेजर पे वाले फाइल पे जाना है। यहाँ पे देखिए db.config, db.config लिखा हुआ है, इसके अंदर जाके ना आपको ये अपडेट कर लेना है, ठीक है। डेटाबेस का नेम, जो यहाँ पे डेटाबेस का नेम है ना, वो डेटाबेस का नेम आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब इसके नीचे फिर से एक बार अपडेट करना है, यहाँ पे और यहाँ पर। अब ये काइंडली एक बार कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। तो मैं कर रहा था तो एरर आया, तो इसकी वजह से मैं वीडियो पॉज करके चेक किया तो मेरे को ये प्रॉब्लम दिखा, तो मैंने उसे शेयर कर दिया। तो यहाँ पे जाके आपको ये चीज़ कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हो गया, यहाँ तक का ही काम था, बट बाकी हो गया। अब यहाँ पे रेजर पे का तो आप देख लेना वीडियो, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा रेजर पे में कैसे अप्रूवल लेते हैं। तो अप्रूवल लेके वहाँ पे जो की मिलेगा आपको, रेजर पे वाले आपको रेजर पे वाले की देंगे, वो की वहाँ पे ऐड कर लेना, यहाँ पे जाके ऐड कर लेना पे के अंदर DB, यहाँ पे एक की देगा और सीक्रेट आईडी देगा, ये दो चीज़ चेंज कर लेना, बस हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं जो ऐप हमने यहाँ पे किया था, तो इसको चलो इसको मैं कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ, ठीक है। अब चाहते हैं कि हम कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन कैसे भेज सकते हैं, मान लीजिए ये एप्लीकेशन यूज़र ने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखा है, तो आप हर मंथ उनको कुछ नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं। तो जिसके लिए आपको यहाँ पे वन सिग्नल पे आना है, जो वन सिग्नल की चीज़ मैंने आपको बताया, आपका लॉग आउट हुआ रहेगा तो आप लॉग इन हो जाना, यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड हो जाने के बाद, डैशबोर्ड पे आने के बाद जो प्रोजेक्ट आपका है, जैसे हमारे केस में इवेंट है, तो इवेंट के अंदर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एक्टिव सब्सक्राइबर कितने हैं, टोटल यूज़र कितने हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए न्यू मैसेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करिए पुश नोटिफिकेशन, न्यू पुश। तो इसके अंदर आपको कोई कैंपेन का नाम लिख देना है और यहाँ पे सेंड कर देना टू ऑल सब्सक्राइब यूज़र, जितने भी आपके यूज़र होंगे, जिसके फ़ोन में भी आपका ये ऐप इंस्टॉल होगा, तो सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन में भेज सकते हैं न्यू फूड चैलेंज, ठीक है, कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन हो सकता है। यहाँ पे मैसेज डाल दीजिए, यहाँ पे साथ में आप अगर कुछ इमेजेस भी देना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है,
तो यहाँ पे चूज फाइल, कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला फ़ोटो सेव। अब मैं आपको नोटिफिकेशन भेज के दिखाता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन कुछ इस टाइप का जाएगा यूज़र के पास फ़ोन में। अब यहाँ पे नीचे देखिए रिव्यू एंड सेंड, तो मैंने क्लिक कर दिया सेंड। अब जब भी सेंड करेंगे ना, देखिए ये मेरा फ़ोन है, देखिए नोटिफिकेशन आया। अब मैं इसको नीचे करता हूँ, देखिए, अरे देखिए इस टाइप का नोटिफिकेशन आएगा हमें। इससे क्या होगा कि हर एक कस्टमर को आप बार बार नोटिफाई कर सकते हैं कि आपका कुछ नया चैलेंज आया है, नया इवेंट आया है, तो आप लोग आओ, तो ऐसे करके आप नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हुआ। तो वन सिग्नल सेटअप हो गया, यूज़र ऐप सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शनल पार्ट है ये, आप इसको मान लीजिए कि आपको एज ए वेबसाइट चलाना है, तो फिर तो ये लास्ट वाले पार्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू बुकिंग ले सकते हैं, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट जब आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर डालेंगे, तो प्ले स्टोर के डालने के लिए आपको एक अकाउंट बाय करना पड़ेगा, जिसका नाम है गूगल प्ले कंसोल अकाउंट। इसका कॉस्टिंग आपका $25 पड़ेगा, 2,000 रुपये के आसपास। ये आप बाई कर लेना। ये कैसे बाई करते हैं इसका भी प्रोसेस मैंने वीडियो में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में है वीडियो, वो आप देख लेना। अब प्ले स्टोर पर डालने का जो प्रोसेस कैसा है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। डालने से पहले, डालने का प्रोसेस भी वीडियो में है, वो भी आप चेक कर लेना। बट मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इसका डालने के लिए, एक जैसे आपने अभी क्या देखा कि मैंने APK बनाना आपको सिखाया, अब APK प्ले स्टोर पर नहीं डलता है। यहाँ पे हमें ऐप बंडल चाहिए होता है, देखिए ऐप बंडल चाहिए। तो ऐप बंडल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पे जाना है, बिल्ड पे जाना है, यहाँ पे जनरेट साइंड बंडल यहाँ पे आना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे की स्टोर पाथ, तो आपके केस में तो की स्टोर बना हुआ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना। की स्टोर का पाथ यहाँ पे जहाँ पे हमारा सोर्स कोड है वहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये एंड्रॉयड पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ की स्टोर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बता रहा है कि ऑलरेडी कोई की स्टोर है, तो इसको रिप्लेस करना है, यस कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड में मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ, आप ये पासवर्ड बनाना, कहीं पे लिख के रखना, अगर भूल गए ना तो ये आप प्ले स्टोर पे दोबारा जब इसको अपग्रेड करेंगे ना तो अपग्रेड नहीं कर पाएंगे कभी, अगर ये खो गया तो ये आप कहीं पे लिख के रखना, ठीक है। एक तो है की ज़ीरो, ये की अलियस है, और यहाँ पे पासवर्ड है, और ये 25 साल के लिए हो गया। अब यहाँ पे आप अपना नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, लोकेलिटी, एवरीथिंग यहाँ पे डालिए। अब यहाँ पे ओके, ठीक है, ये हमारा की स्टोर बन गया है, ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और रिलीज मोड में करना होगा, अब डिबग मोड में नहीं होगा क्योंकि प्ले स्टोर पे हम रिलीज करने वाले हैं, तो रिलीज मोड में होगा। अब यहाँ पे क्रिएट बटन पे कर लीजिए क्लिक, अब यहाँ पे देखिए जनरेटेड साइन बंडल, तो अब यहाँ पे मैं लोकेट कर लेता हूँ, देखिए ये है AAB फाइल। अब ये AAB फाइल के बिना प्ले स्टोर पे डाल नहीं सकते, ठीक है। अब तो AAB फाइल मिल गया हमें, तो बाकी का जो पब्लिश का प्रोसेस है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप एक बार चेकआउट करके देख लीजिए कि पब्लिश का प्रोसेस क्या है। पब्लिश का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, बट आपको अगर कोई दिक्कत होता है वो वाला वीडियो देखने के बाद भी, फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हम इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना लेंगे जहाँ से आप इसको पब्लिश कैसे करते हैं वो मैं वहाँ पे दिखा दूँगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ प्रोसेस बाकी है कि नहीं। बस हमारा सब हो गया, पब्लिश का आप देख लेना, प्ले कंसोल कैसे बाई करते हैं वो भी देख सकते हैं आप, तो बाकी सारे प्रोसेस हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि फाइनल ये जो ऐप है ये जब प्ले स्टोर पे डल जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आपको कोई कुछ ऐड करना है, कुछ एडिट करना है, तो एवरीथिंग इसमें पॉसिबल है, जो कि आप एडमिन पैनल से कर सकते हैं, एडमिन पैनल दिया हुआ है। इसके ऊपर भी आप कमेंट में ये बोल सकते हैं कि कोई अगर फीचर आपको कम लग रहा है यहाँ पे, या फिर कुछ फीचर ऐड कराना है,
तो आपको अगर कैसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट पे लिखिए। अगर कमेंट उससे रिलेटेड ज़्यादा होगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर, इसको एडिट कैसे करते हैं, इसके ऊपर आप एडिशनल कैसे कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा। वो अपने कोड में आप इम्प्लीमेंट कर लेना, तो उससे आपका ये जो ऐप है और भी अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, सोर्स कोड का प्राइस भी मैंने बता दिया, बहुत सस्ते में है, 2500 रुपये में आपको ये सोर्स कोड मिल जाएगा बस। और ये एप्लीकेशन बना के आप जो बिजनेस है इसको आप चला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इससे रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है।